प्रिय दिव्यात्मन, विवेक चूड़ामणि जो श्रीमद् जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना है, उस पर प्रवचन श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है। तो पिछले प्रवचन में मैंने बताया था कि मनुष्य का जो मन है वही बंधन का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का भी कारण है। इसके निमित्त मैंने एक सरस्वती रहस्योपनिषद का श्लोक उद्धृत किया था और बताया था कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो बंधात विषयासक्तं निर्विषयं मुक्ते मुक्ते निर्विषयं स्मृतः। विषय युक्त मन ही बंधन का कारण है और निर्विषय मन ही मोक्ष का, मुक्ति का कारण है। इतना सहज और सरल कुछ हो नहीं सकता है। एक वाक्य में बता दिया समस्त वैदिक वाङ्मय का, समस्त वेदांत दर्शन का महामंत्र। क्या बताया? हमारा सबसे मौलिक प्रश्न क्या है कि बंधन क्यों है और मुक्ति कैसे होगी? अज्ञान क्यों है, हमें ज्ञान कैसे होगा? हमारे जीवन में दुख क्यों है, नित्य सुख की प्राप्ति कैसे होगी? जीवन मृत्यु के चक्र में हम पड़े हैं, इससे निवृत्त होकर हम नित्य अमरत्व की प्राप्ति कैसे करेंगे? ये हम सबके प्रश्न हैं। दुख हम में से कोई नहीं चाहता, परंतु दुख आ रहा है। सुख सदा चाह रहे हैं, परंतु सुख क्षण भर के लिए आता है, चला जाता है। मृत्यु हम चाहते नहीं, परंतु मृत्यु का भय नित्य हमारे जीवन में मंडरा रहा है। तो ये कुछ जो यक्ष प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है जीवन संबंधी, उनकी निवृत्ति के समक्ष आके उद्देश्य से आज मैं विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक लेने जा रहा हूँ। श्लोक संख्या 335, जिसमें डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस ये समस्त भवसागर का, भवबंधन का, रोग का उपचार भी। पहले रोग का तो उपचार तब होगा कि पता चले रोग क्या है, मूल कारण क्या है। तो बताते हैं एक ही श्लोक में समस्त जो बंधन और मुक्ति का विज्ञान है, तकनीक है, और जो दर्शन है बंधन और मोक्ष का, जन्म मृत्यु और अमरत्व का, दुख और सुख का, इन सबका विज्ञान एक श्लोक में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग खोल देते हैं। और इस एक घंटे के प्रवचन को आप ध्यानपूर्वक श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करें तो आपको सारे रहस्य आध्यात्मिक यात्रा के जो आपके प्रश्न हैं कि मुझे आत्मदर्शन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भगवान क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे भय क्यों लगता है मृत्यु से, मैं उस अमर तत्व की प्राप्ति कैसे करूंगा, मुझे ब्रह्म दर्शन कैसे होगा, मुझे आत्म साक्षात्कार कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, सारे प्रश्नों का उत्तर सिद्धांतत ही नहीं, उसकी तकनीक भी, विधि भी, विज्ञान भी, और उसका समग्र दर्शन संक्षेप में, सरल में, एक घंटे में इस विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें पूरे प्रवचन का। तो कहते हैं शंकराचार्य महाभाग, मन
बाह्य निरुद्धे मनस प्रसन्नता मन प्रसादे परमात्मदर्शनम् तस्मिन् सुदृष्टे तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः। खोल दिया सारा रहस्य एक श्लोक में। कह रहे हैं कि बाह्य निरुद्धे मनस प्रसन्नता, जब मन को बाह्य विषयों में नहीं, बाह्य विषयों के चिंतन से निरुद्ध करके अवरुद्ध करके आत्मचिंतन में लगाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्व का चिंतन स्व पर ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? बाह्य निरुद्धे मनस प्रसन्नता मन प्रसादे परमात्म दर्शनम। बाह्यमुखी चित्त को निरुद्ध करके अंतर्मुखी कर दिया तो मन प्रसन्न हो जाता है और मन की प्रसन्नता से परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। ये देखिए क्रांतिकारी उद्घोष, इतना सरल और सहज, बार बार सुनिए इसे। जब बाह्य विषयों में रमण करते हुए, ये स्वभाव है मन का, उसे ही मन कहते हैं जो विषयों में रमण करे, तो इसे अपने स्वाभाविक पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण न करने देकर इसे निरुद्ध कर देते हैं, अंतर्मुखी कर देते हैं, तो क्या होता है? मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है स्वतः ही। वो प्रसन्नता किसी पंचेंद्रिय के भोग से नहीं, स्वतः ही मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उस मन की प्रसन्नता में परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। फिर क्या होता है? तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, उस परमात्मा के साक्षात दर्शन से सारे भवबंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये अनंत काल से जन्म मृत्यु का ये चक्र चला आ रहा है वो नष्ट हो जाता है। परमात्मा के दर्शन से ये अनंत काल से चला आ रहा भवबंधन, जिसे बंधन हम कहते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाता है, तत्काल नष्ट हो जाता है। फिर क्या प्राप्त होता है? बहिर्निरोध पदवी विमुक्ते है। और वह जो परम पद है, जो अंतिम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है, वह सिद्ध हो जाता है, वो उपलब्ध हो जाता है। बहिर्निरोधे, बहिर्निरोध पदवी विमुक्त है। बाह्य विषयों में चिंतन से निरुद्ध हुआ जो चित्त है वो परम पद को पा लेता है, अपनी पूर्ण अवस्था को पा लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। जिसे चिदाभास या जीव कहते हैं, वही तो बाह्यमुखी होता है, वही विषयों में रमण करता है। और वह जब अंतर्मुखी हो जाता है मन, तो मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस प्रसन्नता से परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है और परमात्मा के साक्षात दर्शन से भवबंधन छिन्न भिन्न हो जाता है, उसका संपूर्णतया नाश हो जाता है। इसलिए बाह्य विषयों में रमण करने वाले मन को अगर निरुद्ध कर दिया तो पदवी विमुक्त है। तुम मुक्ति को, तुम मोक्ष को, जहाँ दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष पद है, परम पद है, उसको प्राप्त कर लेते हो।
इतना सरल है। तीन बातें कह रहे हैं, इसको बार बार समझो। स्वाभाविक गति मन की है बाह्यमुखी होना, पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण करना, चिंतन करना, सुखी होना, दुखी होना। तो कह रहे हैं कि तुम मन को पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण न करते हुए इसे अवरुद्ध कर दो और इसे अपने केंद्र पर अर्थात अंतर्मुखी कर दो, तो मन की जो स्वाभाविक गति बाहर के अपने अनुकूल विषयों देकर के सुखी होता है, प्रतिकूल विषयों को देखकर दुखी होता है, ये सुख दुख का जो अनवरत ये संसार चल रहा है वो नष्ट हो जाता है। मन की अखंड प्रसन्नता प्राप्त होती है अंतर्मुखी मन के होते ही, और उस मन की प्रसन्नता में परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। मन की प्रसन्नता का वहां पर तात्पर्य क्या है? मन जो प्रशांत हो जाता है, मन जब शांत हो जाता है तो वह मन ही तो शिव हो जाता है, वही तो शुद्ध चैतन्य हो जाता है। जो महासागर है उसमें अगर बहुत जोर की आंधी तूफान बवंडर आ रहा है तो जो तरंगे उठती हैं तो महासागर दिखता नहीं है, लेकिन जब तूफान चला गया तो तूफान की विश्रांति के पश्चात जब तरंगे शांत हो गई तो महासागर नग्न दिखता है। वहीं तो ये चित्त की दशा है, जीव की भी दशा है। जो नित्य पंचेंद्रियों के पंच विषयों में जाकर के रमण करते हुए सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी यही चक्र चल रहा है, यहां से तुम उसे मोड़ करके अंतर्मुखी कर दो, अपने केंद्र पर ले जाओ, और वहां पर जाकर के मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वहां पर जब कह रहे हैं कि प्रसन्न हो जाता है, तत्पर परम शांति को उपलब्ध हो जाता है, और उस परम शांति में ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है, उसे जो कि नित्य उपलब्ध है अपनी अंतरात्मा के रूप में, और उसका अस्पष्ट दर्शन, उस परमात्म तत्व का अस्पष्ट साक्षात दर्शन हो जाने से अनंत काल का जो भवबंधन है वो नष्ट हो जाता है, चिज्जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है, और जो बाह्य निरुद्ध मन है वह अपने परम पद को अर्थात परमावस्था को, जो परमात्मत्व है, ब्रह्मत्व है, शिवत्व है, जो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसका अपना उसमें विलीन हो जाता है। उसे ही सद्यो मुक्ति कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही परम पद कहते हैं, उस परम पद को पा लेता है। तो परम पद पाने का क्या उपाय है? उस मुक्ति, उस मोक्ष को उपलब्ध होने का क्या उपाय है? बहुत ही सरल है। स्वाभाविक जो गति मन की है, नित्य पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण करता है, उस मन को पंच विषयों में न रमण करते करने देते हुए अपने आत्मा में, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा पर, अपने केंद्र पर उसे एकत्रित कर दो, विलीन कर दो। वहां जाते ही मन मन नहीं रहता है, वो शुद्ध चैतन्य हो जाता है। अंतर्मुखी मन ही शुद्ध चैतन्य हो जाता है, और शुद्ध चैतन्य ही बाह्यमुखी होकर के मन हो जाता है, जीव होता है, चिदाभास कहलाता है। इतना सरल और स्पष्ट। जीव शिवत्व को और शिव जीवत्व को कैसे प्राप्त होता है? यह भी घटना नित्य घटित हो रही है, प्रति सेकंड प्रति पल घट रही है। अपने जीवत्व से शिवत्व की और शिवत्व से जीवत्व की यह यात्रा देखो, नग्न देखो। समस्त वेदांत का सारांश है, कुंजी है, महामंत्र है, ध्यान से इसको समझो, बहुत सरल है। अभी जो स्वाभाविक मन की जो गति होती है वो, अगर मेरी इंद्रियां बंद भी हैं, जब बाहर कर रहा हूं तो बाहर शरीर की बाहरी गति से नहीं, अगर तुम कहो कि मैं तो हिमालय पर चला गया, गुफा में प्रविष्ट हो गया,
वहां न देखने के लिए कुछ है आंख को, न सुनने के लिए कोई शब्द है कान को, और अन्य इंद्रियों के कोई विषय है ही नहीं, तो मैं निर्विषय हो गया। नहीं, वह निर्विषय नहीं हुआ, मनोदेव तो है वहां पर, और मनोदेव भूत में उसने जो पंच इंद्रियों के भोग किए हैं उनकी स्मृति में रमण करता है, और उन भूत की स्मृतियों को भूत में कामना के रूप में उस कामना में रमण करता है, भोग की कामना भविष्य में, वही तो स्वप्न दिवा स्वप्न देखता है, यही तो हमारी गति चल रही है। तो एक बात बहुत गहराई में समझना, जब कह रहा हूं कि बाह्य रमण करना तो पंच इंद्रियों के पंच विषयों से जो सहज स्वाभाविक गतिविधि है मन की, उनके पंच इंद्रियों की वैशाखी से ही बाहर जाता है, लेकिन पंच इंद्रियों के पंच वैशाखियों के ही हट जाने से मन बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। आप कमरे में बंद हो जाओ, मध्य रात्रि का समय है, कोई कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरी रात है, अपने कमरे में भी कोई शोरगुल भी नहीं है, परंतु मन दिन में अपनी पत्नी से, पति से, संतान से झगड़ा हुआ या प्रेम हुआ, किसी ने प्रशंसा की तो उस प्रशंसा का रमण कर रहे हैं, किसी ने निंदा कर दी तो उससे दुखी हो रहे हैं, कुछ उपलब्ध हो गया अनुकूल तो बड़े प्रसन्न होकर के उसका चिंतन कर रहे हैं, कुछ प्रतिकूल हो गया तो उससे चिंतित हो रहे हैं। ये दोनों बाह्य रमण ही हैं। इसलिए जब भी कोई विषय, मींस व्हेनेवर द माइंड इज रेवलिंग एंड रनिंग आफ्टर और रिमेंबरिंग एनी ऑब्जेक्ट, दैट बिकम्स बाउंड, विषय और विषयी। तो क्या सूत्र हुआ एक वाक्य में, एक वाक्य में इस सूत्र को कहता हूं, निर्विषय मन ही परमात्म तत्व के साक्षात दर्शन की कुंजी है, और वही ब्रह्म दर्शन है, साधन और साध्य दोनों घटता है एक साथ। निर्विषय मन, मन नहीं रह जाता, वो शुद्ध चेतन अर्थात ब्रह्म हो जाता है, और जो विषय युक्त ब्रह्म अर्थात शुद्ध तथा कथित जो जो शुद्ध चेतन है, जो ब्रह्म है, वो विषय युक्त होकर वही मन हो जाता है, और वही जीव भाव में आ गया। इससे ज्यादा नग्न और इससे अस्पष्ट बंधन और मुक्ति, ज्ञान और अज्ञान, ब्रह्म और माया का निरूपण अन्यत्र आपको सुनने को न मिलेगा। श्रीमद् जगद्गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अनंत अनुकंपा, लेकिन उससे भी विशेष रूप से उसको सरल सहज, जिसने उसकी अनुभूति नहीं की वो नहीं दिखा पाएगा। इसलिए आप बड़े गहराई में, बड़े ध्यान से इस सूत्र को समझ लो, एक सूत्र तुम्हें मुक्त कर देगा सदा सदा के लिए। जो ब्रह्म है वो स्वतः एक अद्वितीय सत्ता है, अर्थात जो मेरा शुद्ध चेतन है, चैतन्यम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन, अर्थात चैतन्यम ब्रह्म, वो जो चेतना है, जो प्रज्ञान सत्ता है, वही ब्रह्म है। तो जीव कब बन जाता है, माइक कब हो जाता है, उसकी मूल अवस्था है सेल्फ अवेयरनेस, निज बोध रूप, जो हस्तामलक कहते हैं निज बोध रूप, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या परिचय, निज बोध स्वरूप हूं मैं, ये मौलिक स्वरूप है परमात्मा का। जिस क्षण वो कल्पना करके अपने अपनी स्वेच्छा से ही कल्पना करके ये काल्पनिक जगत, काल्पनिक विषय सृजित करके उनके पीछे रमण करने लगता है, युक्त हो जाता है, द्वैत वहीं सृजित हो जाता है, सब काल्पनिक घटना है कहीं नहीं, दूसरा कोई है नहीं, एक था, एक है, एक ही रहेगा, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, लेकिन एक में द्वैत और दूसरा कैसे आ गया, वह एक अद्वितीय जो चैतन्य है अपनी स्वेच्छा से ही दूसरे की, द्वैत की कल्पना कर लेता है और उसे भ्रम हो जाता है, देखो मुझसे परे ये पंच इंद्रियों के पंच विषय, ये जगत है, ये प्रपंच, समस्त प्रपंच मन की कल्पना मात्र है, असद वस्तु है, इसलिए तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते हैं। इसलिए
जो है नहीं स्वप्न की तरह ही, स्वप्न में जिस प्रकार से तुम अपने कमरे में हो लेकिन महासागर देखते हो स्वप्न दृश्य में, स्वप्न दृष्टा के मन नहीं महासागर, हिमालय, हाथी, घोड़े, दिल्ली, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क दिख देखता है स्वप्न में, उसी प्रकार से यह जो शुद्ध चैतन्य है, जो ब्रह्म है, जो शिव है, जो सच्चिदानंद घन तत्व है, जो सद वस्तु है, वह कल्पना करके यह समस्त काल्पनिक जगत, द्वैत जगत जो दृश्य बन जाता है, उसे मानने लगता है ये मुझसे परे कोई सद वस्तु है, वास्तव में है वह छाया, मैं पुरुष और ये अनंत जगत मेरी छाया, पुरुष और पुरुष की छाया के सिवाय कुछ भी नहीं, वह पुरुष ही ब्रह्म है और पुरुष की छाया ही ये माया, अर्थात ये अनंत दृश्यमान जगत छाया है, किसकी, मेरी, परम पुरुष की, उस चैतन्य की। तो चैतन्य मूल रूप में, जिसे आत्मा चैतन्य भी कहने से शब्द बार बार आप, चैतन्य अर्थात आत्मा जो अभी यही तुम्हारी प्रत्येक आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में है, वही शुद्ध ब्रह्म है। तो वह कैसे बंधन में पड़ जाता है, कैसे अज्ञानग्रस्त हो जाता है, कैसे उसे लगता है कि मैं अपूरित हूं, मुझे प्रेम की भीख दूसरे से मांगनी पड़ेगी, मैं दुखी हूं, मुझे सुख के लिए कहीं जाना पड़ेगा, मैं मरण धर्मा हूं, अमरत्व की मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, कैसे मैं बच पाऊंगा, ये अज्ञान के कारण हुआ है। न तुम में मृत्यु है, न जन्म है, न तुम में दुख है, न अभाव है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मन ने ये पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण करते हुए, जो पंचेंद्रियों के पंच विषय स्वरूप जो जगत है, जो माइक कल्पनिक काल्पनिक स्वप्नवत जो ये असत वस्तु है, उसे सत मान करके उसे पीछे भाग रहा है, यही तो अनंत यात्रा चल रही है। इसलिए कहते हैं कि जो असत वस्तु स्वरूप ये पंचेंद्रियों के पंच विषय हैं, उनसे निरुद्ध कर दो मन को। क्योंकि क्यों निरुद्ध कर दूं, क्योंकि वो है ही नहीं, तुम्हारी अज्ञान की अवस्था में लग रहा है, जैसे कि दर्पण में आपको दिखता है, या विशेष रूप से आप नदी के किनारे जाएं, झील के किनारे जाएं, तो पेड़ दिखेंगे नदी के अंदर किनारे पर, तटद्रुमा, पेड़ वहां पर नदी के अंदर थोड़े ही है, लेकिन पेड़ अंदर दिखता है, भ्रम हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो मेरा आत्मदर्पण है, चैतन्य दर्पण है, इसी में अज्ञान के कारण ये पंचेंद्रियों स्वरूप जो पंचेंद्रियों के पंच विषय स्वरूप ये प्रपंच अर्थात जो जगत है, ये मेरी ही कल्पना है, मेरे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मन नामक उपकरण से अपने को बाह्यमुखी कर दिया और पंचेंद्रियों के पंच विषयों में नित्य रमण कर रहा है, उसी का चिंतन कर रहा है। तो जब तक यह चिंतन चलता रहेगा, तुम्हें भव बंधन से बचने का, निकलने का कोई उपाय नहीं, तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं। लेकिन जिस क्षण तुम्हें इसका बोध हो गया, तत्काल तुम मुक्त हो जाओगे कि ये जो मैं बाह्यमुखी नित्य रमण कर रहा हूं अपने पंचेंद्रियों के पंच विषयों में, ये पंच विषय तो है ही नहीं, मेरी कल्पना है, और मैं अपने केंद्र पर, अपने स्रोत में जाकर के जब विलीन हो जाता हूं, मैं यहां पर मन के लिए कह रहा हूं, अभी जीव भाव में अज्ञान की अवस्था में, तो वहां पर जाने के पश्चात जिस प्रकार से अनंत नदियां, महा ये उपनिषद का जो वाक्य है, जो अनंत नदियां विभिन्न विभिन्न स्रोतों से आकर के महासागर में विलीन होकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये जगह जगह जगत जगत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का रमण करता है भोग करने वाला यह जो शरीर इंद्रियों के द्वारा, जब अपने केंद्र पर जाता है, अपने चैतन्य स्वरूप महासागर में विलीन हो जाता है, तो वहां एक ही बच जाता है शुद्ध संबित, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही तो प्रत्यगात्मा है, वही चैतन्य महासागर है, उसी में विलीन हो गया। ये जो मन रूपी सरिता है, क्षुद्र क्षण भंगुर, ये उस अनंत महासागर महासागर स्वरूप जो चैतन्य सत्ता में विलीन हो जाती है, तो महासागर ही हो जाती, फिर वो नदी नहीं रहती।
छोटी सी नदी है, छोटी सी सरिता है, डर रही है, मैं तो यहाँ से उत्पन्न हुई, इधर जा रही हूँ, गर्मी का मौसम है, सूख जाऊंगी, लोगों ने पानी ले लिए। दुनिया में बहुत सी नदियाँ सूख रही हैं, लेकिन वहीं क्षुद्रधारा, क्षुद्र नदी सरिता महासागर में जब विलीन हो गई तो उसके जन्म और मृत्यु पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, वह तो महासागर हो जाती है। उसी प्रकार से बाह्यमुखी होकर के ये मन अपने को देश काल वस्तु पर छिन्न मानता है और सुखी दुखी होता है, भयग्रस्त होता है, लेकिन वह जो परिच्छिन्न जीव भाव में आया मन जब अंतर्मुखी हो जाता है तो वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो जाता है। अपरिच्छिन्न हो जाता है क्या क्या तात्पर्य है, पहले परिच्छिन्न था, दर्शन है इसे समझो, सदा सर्वदा अपने मूल रूप में ये जो मन है ये कभी देश काल वस्तु परिच्छिन्न हुआ नहीं, टुकड़े टुकड़े हुआ नहीं, एक अद्वितीय वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था, परंतु बाह्यमुखी होकर के इसे विस्मृति हो गई अपने स्वरूप की। जो अर्जुन जो भगवान कृष्ण को कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, बस इतना ही घटना है। मोह किसका, बाह्यमुखी होकर के मन और ये पंचेंद्रियों से रचा प्रपंच सत्य लगने लगता है और उसी में सुखी दुखी जन्म मृत्यु सब कल्पना अनंत काल तक चलती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, किसकी स्मृति, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूँ, जड़ नहीं, मैं देही हूँ, देह नहीं, मैं शरीरी हूँ, शरीर नहीं, मैं एक अद्वितीय दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं हूँ। दृश्य किस में रमण करता है मन तुम्हारा, दृश्य में अपने मन को आ जा करके तुम बोलो कि चलो बेटे तुम रमण करना खूब जहां दुनिया में, लेकिन दृश्य मुक्त होकर के रमण करो। ये सब साधना की है 40 साल मैंने, ये इस तरह स्वतः जा करके मैंने संकल्प लिया कभी 30 साल पहले, चलो दृश्य मुक्त होकर के रमण करते हैं, भोग करते हैं, जितने भी निकृष्ट उत्कृष्ट भोग हैं सब में उतरते हैं, लेकिन दृश्य मुक्त होकर के अद्भुत क्रांति घटी। कोई कामना कोई वासना आपके अंदर उतर ही नहीं पाएगी, संभव नहीं होगी, कोई क्रीड़ा नहीं हो पाएगी इंद्रिय भोग की, समस्त इंद्रिय भोग दृश्य होकर के, सदृश्य होकर के, दृश्य से युक्त होकर के ही हो पाती है। अब जब दृश्य मुक्त हो गया मन, दृश्य मुक्त जब मन हो गया तो कहां भागेगा, किधर जाएगा, नथिंग बट सेल्फ अवेयरनेस, अपने सिवाय अपने में रमण, अपने में भ्रमण, अपने में क्रीड़ा करने के सिवाय कुछ नहीं बचा, उसे ही कहते हैं उपनिषदों में भगवद गीता में आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुना। मैथुन की घटना नर और नारी में घटित होती है, ये अज्ञान की अवस्था में घटित होती है। उस जो मैथुन का काम का आनंद के लिए द्वैत का होना आवश्यक है, भोग भोक्ता और भोग्य का होना आवश्यक है, लेकिन यहां अज्ञान की अवस्था में यह सब हो रहा है। ज्ञान की अवस्था में पता चलेगा, क्या बोला, आत्म मैथुन, आत्मा का आत्मा से ही मिलन, वहां एक ही बचा, वही शुद्ध चैतन्य है, वह अनवरत अखंड आत्म मैथुन, उसे ही आत्मरति, रति क्रीड़ा, रति आनंद जो संसारिक इंद्रिय भोग के लिए लेते हो पुरुष नारी का, वास्तव में वह अज्ञान की अवस्था में पंचेंद्रियों के पंच विषय के द्वारा हो रही है वह क्रीड़ा, और वो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, माइक है, स्वप्नमत है, इसलिए अंततः दुख में परिणति होती है। किसी भी इंद्रिय भोग की ध्यान से प्रश्न सुनो, उद्घोष सुनो वेदांत का, सृष्टि में एक भी मनुष्य ला दो जो कहे और उसे दे दो दुनिया के सारे भोग कि मैं संतुष्ट हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं आप्त काम होगा, असंभव। दुनिया महाभारत का ये उद्घोष है, महाभारत का ये उद्घोष है कि किसी एक ही पुरुष को सृष्टि की समस्त सुंदर स्त्रियां और ऐश्वर्य भोगने को दे दो
और देखो क्या उसे तृप्ति प्राप्त होती है। असंभव बाह्य भोगों से, चाहे सृष्टि के सारे भोग तुम्हारे कदमों में रख दिए जाएं, इस संसार के जगत के अनंत भोग, सर्वस्व भोग, समस्त ऐश्वर्य धन और भोग्या सब प्रेषित तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे भोग के लिए भी रख दी जाए, तुम्हें लग रहा है कि तुम तृप्त हो जाओगे, एक भी व्यक्ति की तृप्ति के लिए ये संसार के समस्त तथा कथित ऐश्वर्य वैभव जो पंचेंद्रियों के पंच विषय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन शाश्वत भिखारी है, शाश्वत भिखारी है। भिखारी शाश्वत क्यों है? क्योंकि ये स्वतः असत वस्तु है और भोग भी असत का ही करता है। भोक्ता और भोग की कल्पना इसने कर ली, ये स्वतः अपने मूल रूप में तो आप्त काम है, तृप्त काम है, क्योंकि ये परमात्मा है, यही शिव है, इसका जो स्रोत जो चैतन्य स्वरूप है। लेकिन क्यों बोल रहा हूं कि शाश्वत भिखारी है यह मन? क्योंकि ये अज्ञान को, भ्रम को प्राप्त हो गया है। आप कुत्ते को छोड़ो, कहीं पर शीशे लगे हो कमरे में, कुत्ता ढूंढेगा लगे बगल में दिख रहा। बच्चों को देखा अपने दर्पण में, बच्चे अपनी ही तस्वीर देख करके अपने से झगड़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लगता है कि कोई और है मेरे इतर। यही तो ये समस्त द्वैत की लीला है। मुझसे इतर न कुछ था, न है, न होगा, लेकिन मुझसे इतर भोग्या के रूप में ये समस्त जगत दिख रहा है। और जब तक मुझे अपने आत्मानंद का, जिसे मैंने बड़ा उपनिषदों ने कहा आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन आत्म रति, आत्मा का आत्मा से मैथुन, आत्मा का आत्मा में रति रमण आनंद नहीं होगा तो तृप्ति नहीं होगी। तो वहां पर क्या बताया श्लोक में, विवेक चूड़ामणि के 335 श्लोक संख्या 335 पर प्रवचन कर रहा हूं, उसका एक श्लोक के माध्यम से समस्त बंधन और मोक्ष का विज्ञान नग्न कर रहा हूं कि जब बाह्य विषयों में मन रमण करता है तो बंधन युक्त हो जाता है, लेकिन जब बाह्य विषयों से निरुद्ध करके मन को अपनी आत्मा में लगा लो, आत्मा में रमण करने लगे तो वह मुक्त हो जाता है तत्काल। मुक्ति और बंधन का क्या विज्ञान? जब मन बाह्य विषयों में रमण करता है तो बंधन युक्त हो गया, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, सुखी दुखी होगा। और वहीं मन जब निर्विषय हो गया, निर्विषय हो जाएगा तो क्या करेगा? आत्म मैथुना आत्म क्रीड़ा आत्मरति, आत्मा का आत्मा में रमण होगा। जो अनंत है, अक्षय है, वही तो अनंत ब्रह्मानंद है, वही तो परमात्मानंद है, वही तो दिव्यानंद है, वही तो सच्चिदानंद है। मेरा स्वभाव है अपना, मुझे नित्य प्राप्त जो आनंद का जो महासागर है, प्रेम सागर है, मेरे स्वभाव में है। सूर्य को कभी तुमने देखा है कि दूसरे से भीख मांगे, मुझे थोड़ा सा प्रकाश दे दो, मुझे थोड़ा सा ताप दे दो? कभी अग्नि को देखा आपने कभी भीख मांगते हुए किसी से कि थोड़ा सा दाहकता मेरे अंदर दे दो, थोड़ा सा प्रकाश कर दो? कभी नहीं, क्योंकि दाहकता और प्रकाश अग्नि का स्वभाव है, विद्युत का स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव है, उसे अन्यत्र से नहीं मांगना। इसलिए जो समस्त आनंद, समस्त प्रेम, समस्त ऐश्वर्य जिसे पंचेंद्रियों के पंच विषयों में तुम खोज रहे हो, अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल करके, जब अपने स्वरूप का तुम दर्शन करते हो, बाहरी भोग्या और भोक्ता का जो संबंध है, विषय और विषयी का, उसका त्याग करके जब अपने केंद्र पर आकर के मन को इसके स्रोत में अर्थात चेतन में अर्थात प्रत्यगात्मा में विलीन कर देते हो, तो वहां आत्म क्रीड़ा अर्थात इटर्नल लव मेकिंग, इन्फिनिट ब्लिस एंड इन्फिनिट ओशन ऑफ ब्लिस, जो अनंत आनंद का अक्षय भंडार, वही रासलीला का तात्पर्य है। कथाकारों ने
वासना का तांडव कर दिया, दुर्गति कर दी उसकी, महा रास की, महारास एकमात्र आत्मा के आत्मा से ही, जो कृष्ण की गोपियों के साथ जो रास पुत का तात्पर्य यह बताने के लिए होता है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की वो तो घटना है। जब ये बाह्यमुखी मन अंतर्मुखी हो जाता है तो चेतन का चेतन से, आत्मा का आत्मा से जो मिलन हुआ, वही तो महारास है। दैट अलोन इज इन्फिनिट लव मेकिंग, इन्फिनिट एंजॉयमेंट ऑफ द ब्लिस ऑफ द ब्रह्मन द सुप्रीम ट्रुथ। क्यों? क्योंकि एकमात्र सदवस्तु जो तुम्हारी समस्त कामनाओं की तृप्ति करने में सक्षम है, वह तुम्हारा आत्मानंद है, वही तुम्हारी परम प्रेसी है, वही तुम्हारा परम प्रियतम है। दैट अलोन इज द सुप्रीम लवर एंड अल्टीमेट बिलव्ड। कौन? ये प्रत्यगात्मा, ये मेरी आत्मा जो नित्य प्राप्त है, सृष्टि के सारे अणु परमाणु बम भी इसे मुझसे दूर नहीं कर सकते हैं, वह चेतन सत्ता, वह चैतन्य महासागर। तो जब तक बाहर में, क्या बोला श्लोक में, कि जब तक बाह्य मुखी है विषयों में रमण करता है तो बंधन में रहेगा, जब बाह्य मुखी रमण करता हुआ विषयों में रमण करता हुआ मन को निरुद्ध करके तुम इसे आत्मा में रमण करने लगो, जिसे मैंने बोला वही आत्मक्रीड़ा है, वही आत्ममैथुन है, वही अखंड समाधि है, वही सहज समाधि है, वही ज्ञान समाधि है, वही निर्विकल्प समाधि से जो कहते हैं कि उस परमात्म दर्शन के साक्षात दर्शन से मन प्रसन्न हो जाता है, ये रहस्य नहीं है। जो श्लोक में मैंने बताया कि जब बहिर्मुखी विषयों से मोड़ करके या निरुद्ध करके जब मन को अंतर्मुखी कर दिया, अर्थात आत्मा में विलीन कर दिया, तो आत्मक्रीड़ा वहां घट रही है, आत्ममैथुन घट रहा है इसके, और आत्मा का आत्मा से मिलन हो गया, यही परमात्म दर्शन है। गहन इस पर 3 महीने बोल सकता हूं, इस एक श्लोक पर, क्योंकि इससे इतर कोई भी कुछ वेदांत नहीं, कोई वैदिक वांग्मय कुछ नहीं है। योग वशिष्ठ सारे 32,000 श्लोक पढ़ लो, समस्त भगवद गीता सारे उपनिषद पढ़ लो, अंततः तुम्हारी परम परिणति इसी में होगी। इसलिए संक्षेप में 1 घंटे में ही आपको बताना है, नहीं तो एक एक शब्द पर घंटों बोला जा सकता है इसमें। तो जब अंतर्मुखी मन हो गया, निर्विषय मन हो गया, तो मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? क्योंकि उसका जो भोग है वो आत्मनिर्भर हो गया, अपनी आत्मा तो नित्य उपलब्ध है, मेरी भोग्या, मेरी प्रियतमा, मेरा प्रियतम वो नित्य उपलब्ध है, वही तो आत्मा आत्मधन है, आत्मप्रिया है, वही आत्मप्रिय है, और वो मेरा केंद्र है, मेरी प्रत्यगात्मा है, मेरी चैतन्य सत्ता है, वही तो मीरा बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अनंत नामों से वही राम धन है, वही कृष्ण धन है, वही ब्रह्म धन है, वही तुम्हारी परम प्रियतमा है। तो जब मन उसमें रमण करता है तो सदवस्तु है, प्रामाणिक प्रियतमा है, वास्तविक प्रियतमा है, वह जो प्रियतम, जो मेरा प्रेमी, जो आत्मा के रूप में है, वो शाश्वत है, सनातन है, वहां पर न विधवा होना है, न विधुर होने की कोई संभावना नहीं है, रोने से मेरा पति मर न जाए, मेरी पत्नी मर न जाए, मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली न जाए, मेरा प्रियतम मुझे तलाक न, ये सभी जो सांसारिक शादीशुदा लोग हैं सबके जीवन प्रतिपल कहीं ना कोई शंका बनी रहती है, चलो ये सब न हो तो यही मृत्यु से ग्रस्त होकर मेरी प्रियतमा न चली जाए, मेरा पति कहीं अकाल मृत्यु रोगग्रस्त से होकर के कहीं एक्सीडेंट में न, प्रति पल तुम्हें भय रहता है अपनी प्रियतमा, अपने प्रियतम से बिछुड़ने की के भय में से। लेकिन यह जो प्रियतम है, यह प्रियतमा है जिससे मिला दिया अपने मन को, अर्थात जीव को, बाहर के जो काल्पनिक स्वप्नमयी माइक जो प्रियतमा और प्रियतम स्वरूपी पंचभोग जो करता है, नित्य कर रहा है अभी तो अज्ञान की अवस्था में, तो वह प्रियतमा तो नित्य उपलब्ध है, स्वयंभू प्रियतमा है, वो देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, न उसे देश मार सकता है, न देश में वो सीमित होती है, न काल में काल कवलित होगी, और न वो वस्तु तक सीमित है। सीमित तो ये शरीर है, मन है, और इसका जो अधिष्ठान, जो प्रत्यगात्मन मेरी जो आत्मा है, प्रियतमा आत्मप्रिया है, वह तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, अनंत ब्रह्मांड उसी में कल्पित है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, किसकी? मेरे अपने प्रत्यगात्मन की।
और वह परम प्रियतमा है, वही परम प्रिया है, और उसका स्वभाव है प्रेम। डिवाइन लव इज इंट्रिंसिक एंड नेचुरल टू द सेल्फ, द प्योर कॉन्शियसनेस। ये जो मेरा आत्मस्वरूप परम प्रियतम है, परम प्रियतमा है, ये शाश्वत सनातन प्रियतमा है, ये अखंड अद्वितीय प्रियतम है, इससे तुम आलिंगन कर लो, इसमें विलीन हो जाओ। ऐसा आलिंगन, ऐसा प्रेम, ऐसा मिलन कि फिर बिछुड़न नहीं होगी और किसी की कुछ कामना न बचेगी, क्योंकि इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। यही परम भोग है, यही महाभोग है। इसी की प्राप्ति के लिए मैंने तो कहा, मैंने कुछ भी त्यागा नहीं है। परमहंस संन्यास, विधिवत संन्यास, विधिवत परमहंस संन्यास की दीक्षा दी गई तो तुम्हें लगता है संन्यास और त्याग, मैंने कुछ भी त्यागा नहीं है। मैं क्षुद्र का त्याग कर लेके महाभोग के लिए निकल पड़ा, मैं क्षुद्र कामना का त्याग करके महाकामी बन गया। यही ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, परमात्म विद्या, जो वेदांत विद्या है, वह उसी परम प्रियतमा अखंड अद्वितीय अक्षय भोग्या से मिला देता है। इसलिए यह जान लो कि जब तक यह मन पंच इंद्रियों के पंच विषयों में, बाह्य विषयों में रमण कर रहा है, तब तक तुम्हारे न परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा अर्थात तुम्हारी आत्मा का, और न उस आनंद की जो आत्मानंद है उसकी अनुभूति होगी। इसलिए मन नित्य अशांत रहेगा, और अशांत, जितना मन अशांत होता है उतना बाह्य विषयों में रमण करता है। शांत मन, प्रमाणिक रूप से शांत मन किसी का रमण नहीं करेगा, उस शांत मन तो आत्मा में ही रमण करता है। तो अब संक्षेप में आपको बताता हूं कि थोड़ा और महाराज स्पष्ट करो, यहां पर दिखाओ। तो चलो अब दिखा रहा हूं, इसको मन मन कह रहा था, आप चले आओ अपने मैं पर। आप में से कोई है जिसे अपने मैं का बोध नहीं है? वो मैं चाहे अच्छा हो, बुरा हो, क्षुद्र हो, उसको भूल जाओ, जिसे मैं कह रहे हो। अब अपने मैं पर आ जाओ और ये सारा सिद्धांत उस मैं पर लागू कर दो, दो मिनट में तुम्हें मोक्ष और बंधन का विज्ञान पता चल जाएगा। जिस समय ध्यान से श्रवण करना संपूर्ण वेद उसमें उद्धृत हो जाएगा, संपूर्ण वेदांत दर्शन भी इसमें समा जाएगा एक वाक्य में। जब मैं जैसे भी तुम हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी, कामी हो या रामी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से सुनो, अपने मैं पर आ जाओ। मैं, ये मेरा मैं जब विषय युक्त हो जाता है तो वही बंधन युक्त हो जाता है, वही जन्म बंधन में पड़ जाता है, वही जन्म और मृत्यु के भवसागर में पड़ जाता है, वह क्षुद्र हो जाता है। विषय युक्त कौन? मैं, मेरा मैं। अभी यही मन मन कहते हुए तुम्हें लग रहा है कि अच्छा सृष्टि में कहीं ऐसी कोई विराट कोई, अभी अज्ञान की अवस्था में मैं मन को ही और मन ही मैं कह रहा है अपने आप को, लेकिन कह क्या रहा हूं, मैं अभी यही मैं जब विषय से युक्त होता हूं तो क्षुद्र हो जाता हूं, मरण धर्मा हो जाता हूं, देश काल वस्तु परिच्छिन्न हो गया, इस ऋषि के सरद्वार के छोटे से आश्रम कमरे तक ये सीमित शरीर हो गया, ये देश परिच्छिन्न हो गया, कुछ दशक पहले पैदा हुआ, कुछ दशक बाद मर जाएगा, एक काल से परिच्छिन्न हो गया, और इस शरीर तक को ही स्वामी शशिदानंद कहते हैं ये वस्तु सीमित। दिस हैज बीन कन्फाइंड बाई टाइम स्पेस एंड मैटर। कैसे? हमने अपने मैं को ये शरीर मान लिया है, तो तीनों तरह से ये टुकड़े टुकड़े हो गया, छिद्र हो गया। अब मैंने बाह्य मुखी और बाह्य जगत को सत्य मान लिया, तो ये शरीर भी बाह्य मुखी है और मेरा मन भी बाह्य तत्व है, दृश्य है। शरीर भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, और ये सब जगत, तो इनसे युक्त होकर के मैं जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, शाश्वत सदा शिव हूं, जब सुपाधिक हो गया, सुपाधिक अर्थात शरीर तादात्म कर लिया, विषय युक्त हो गया, मैं ही बंधन युक्त हो गया। यह मैं बंधन युक्त हो गया, अज्ञान ग्रस्त हो गया, नित्य भीख मांग रहा हूं, मुझे थोड़ा प्रेम दे दो, डार्लिंग डू यू लव मी, माय डियर वुड यू एवर
लव मी, वाई डोंट यू लव, ये जो भिखारी पना है, मेरी थोड़ी प्रशंसा कर दो ना, ताली बजा दो ना मुझ पर, मुझे कोई भारत रत्न दे दो, कोई पद्मश्री, ये सारी जो सारा का सारा जो भिखारीपना मन का है, अपने स्वरूप के अज्ञान की है, क्योंकि मैंने विषय युक्त कर लिया है इस मैं को। मैं अच्छा, ये मैं अर्थात ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का शरीर, अच्छा इससे जुड़ा हुआ मन बुद्धि, अच्छा इससे अमुक अमुक माता पिता को से पैदा हुआ, अमुक देश का यहाँ का, ये विषय युक्त हो गया, शिव जीव भाव में आ गया। अब इसको निरुपाधिक कर दो, सोपाधिक मैं बंधन युक्त होता है, सोपाधि अरे उपाधि लिमिटिंग एग्जंक्ट, यानी शरीर तदात्मा, आम भाषा में जो अशरीरी है, जो चेतन है वो अशरीरी है, असंसारी है, लेकिन अज्ञान के कारण सोपाधि अर्थात उपाधि से युक्त, वही विषय युक्त हो जाना कहलाता है। अपने को उपाधि युक्त बना लिया तो उपाधि अर्थात शरीर से युक्त होकर के अब इसके विषय हो गए, पंचेंद्रियों के पंच विषय हो गए, और क्षुद्र हो गया, जो विराटों से विराट है वह क्षुद्र से क्षुद्र हो गया, जो अनंत अजर अमर अविनाशी है वो अपने को मरण धर्मा जन्म धर्मा सुखी दुखी रोग व्याधि ग्रस्त ग्रस्त बना लिया। अब इसको निरुपाधिक कर दो, किसको, अपने मैं को, अपने मैं पर आ जाओ। मैं उस श्लोक को बल्कि ऐसा कर दूं सूत्र को कि तुम्हारा मैं जब बाह्यमुखी होता है, बाह्य विषयों में रमण करता है तो बंधन युक्त हो जाता है, अज्ञान ग्रस्त हो जाता है और भव बंधन में पड़ा रहता है युग युग तक। और मेरा मैं जब निरुपाधिक या निर्विषय हो गया तो अभी वह शोधित और शुद्धमय हो गया, वो चैतन्य था ही, और बस निरुपाधिक होने का तात्पर्य है निर्विषय होना, निर्विषय होने का तात्पर्य है निरुपाधिक होना। अब इसको तीन चार तरह से कह सकते हैं, जब मैं जब मेरा मैं, अभी मेरा मैं जो यहां पर मैं, अपने मैं पर जाओ, यही मैं जब पंच विषयों से युक्त हो जाता है तो वो साकार तादात्म कर लेता है, और वहीं जब निर्विषय हो जाता है तो निराकार हो जाता है। पंचेंद्रियों के पंच विषयों में जब मैं रमण करता हूं तो साकार हो जाता हूं, और पंचेंद्रियों के पंच विषयों से निरुद्ध करके आत्मा में रमण करता हूं तो मैं निराकार हो जाता हूं। देखो साकार निराकार हो गया, पंचेंद्रियों के पंच विषयों में जब मैं रमण करता हूं तो मैं सगुण साकार सोपाधिक हो जाता हूं, जब अपनी आत्मा में रमण करता हूं तो निरुपाधिक निर्गुण निराकार हो जाता हूं। जब बाह्यमुखी रमण करता हूं, पंच विषयों से युक्त हो जाता हूं, तो मैं मरण धर्मा जन्म धर्मा देश काल वस्तु परिच्छिन्न हो जाता हूं, जब अपनी आत्मा में रमण करता हूं अर्थात विषय रमण से निरुद्ध करके और मन को आत्मरमण करने लगा, आत्ममैथुन आत्मक्रीड़ा जो अन्य शब्द कहे, अपनी आत्मा का आत्मा से ही मिलन कर दिया मैंने, तो वो जो आत्म तत्व है, जो प्रत्येगात्मा है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, वह मृत्यु की कहां संभावना है। वही जो बाह्यमुखी होकर के अपने को मरण धर्मा साकार सगुण समझ रहा था, जिससे भयग्रस्त हो रहा था, डर रहा था, वही अंतर्मुखी होते हुए ही वो निराकार हो गया, वो निरुपाधिक हो गया, निर्विषय हो गया, और वो तो अखंड अद्वितीय हो गया, वो तो एक अद्वितीय सद वस्तु है, वह तो सच्चिदानंद घन ही था, ब्रह्म हो गया था उस शिव को जीव होने का। अभी ये घटना जब मन कर रहा हूं तो अपने यहां पर मैं कर लो, यही महता होती है, जिसने अनुभूति की है वो इस प्रकार से अपने सब शब्द भूल जाओ, अपने मैं को निरुपाधिक और सोपाधिक, साकार और निराकार, बाह्यमुखी और अंतर्मुखी, अपने मन को, अब एक अंतिम श्लोक, अपने मन को बाह्य विषयों में रमण करने से रोक करके अपने आप में रमण करो। जिस दिन तुम आत्म रमण करने लगे, पंचेंद्रियों के पंच विषयों से हटा करके अपनी आत्मा का चिंतन करने लगे, विषय चिंतन से हटा करके आत्म चिंतन
करना ही विषय चिंतन बंधन है, आत्मचिंतन मुक्ति है। एक वाक्य, जब तुम विषय चिंतन करते हो तो वह बंधन की अवस्था होती है, वह बंधन को और प्रगाढ़ करता है, वह दुखदायी है, अज्ञानकारी है, जन्म मृत्यु का कारण है। विषय चिंतन से निरुद्ध करके आत्मचिंतन जब करने लगते हो तो वह आत्मचिंतन ही द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्मा का आत्मा में रमण, आत्मा का आत्मा में भोग। भोग प्रियतम भी वही, प्रियतमा भी वही, भोक्ता भी वही, भोग्य भी वही। वहां तत्काल अपने परम स्वरूप की प्राप्ति, जो नित्य प्राप्त है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप, जो मेरी प्रत्यगात्मा है, मेरा मैं, वह मैं जो बाह्यमुखी होकर सोपाधिक होकर के साकारवान और क्षुद्र क्षण भंगुर देश काल पर छिन्न अपने को मान रहा था, अभी जब निर्विषय होकर के अंतर्मुखी होकर के जब आत्मचिंतन मैं करने लगा, अपने आत्मचिंतन अर्थात मैं द्वारा मैं का रमण, मन में मैं में ही भ्रमण, जो मेरा शुद्ध वहां पर चैतन्य बच गया है, जो साक्षी चेता ही केवलो अंतिम दृष्टा है, जो सर्वस्व का अनुभोक्ता है, वह जो चैतन्य सत्ता स्वरूप, वह जो परमात्मा है, मुझे तो नित्य प्राप्त है, मेरे मैं के रूप में ही बाह्यमुखी होकर के ही ये मन मेरा मैं अशुद्ध हो गया था, सोपाधिक देह तादात्म के कारण जन्म मृत्यु भव बंधन से ग्रस्त मान लिया था, अब अंतर्मुखी होकर के जब आत्मरमण करने लगा, आत्मा का आत्मा से चिंतन, आत्मा का आत्मा से मिलन, तो वो तो निर्गुण निराकार निर्विशेष देश काल वस्तु परिच्छिन्न सर्वव्यापी तत्व है। कौन? मेरा मैं जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न हूं, सर्वव्यापी हूं, अनंत ब्रह्मांड मुझ में उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं, विलीन हो जाते हैं, अज्ञान की अवस्था में काल्पनिक जगत का सृजन कर लिया था, उसके पीछे भाग रहा था यह मन। अब मैंने पंचेंद्रियों के पंच विषय को जान, इसी को तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो जगत है, ये माइक है, इसमें प्रेम है ही नहीं, इसमें आनंद है ही नहीं, सुख की कोई कणिका मात्र नहीं है, प्रतीति जरूर होती है। आप प्लास्टिक के फूल या प्लास्टिक के सेव या व्यंजन देख करके भी प्रसन्नता होती है, लेकिन उससे भूख प्यास नहीं मिटेगी। इसी प्रकार से जो विषय आनंद है, विषय आनंद से तृप्ति नहीं होगी, तुम आप्त काम नहीं होगे, तृप्त काम नहीं होगे, इसलिए विषयानंद को छोड़ करके ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में, अपने स्व के आनंद में, अपने स्व के स्वरूप में रमण करो, विचरण करो, उसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और वहां पर परमात्मा का, वही तो परमात्मा का साक्षात दर्शन है, जो इस श्लोक में क्या कहा कि जब पंचेंद्रियों के पंच विषयों से मन को और निरुद्ध करके जब अपनी आत्मा में उसे विलीन कर देते हो तो क्या होता है, मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और प्रसन्न मन में परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है, और परमात्मा के साक्षात दर्शन से ये भाव सागर का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, तुम मुक्त हो जाते हो। परम पद जो दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, जो आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, ब्रह्मदर्श, ये निर्वाण अनंत शब्दों द्वारा जो जाना जाता है, वह परम पद, उस परम पद को प्राप्त कर लिया। कौन? यही मैं ही, विषय युक्त होकर के मैं ही बंधन युक्त हो गया था, मरण धर्मा हो गया था, देश काल वस्तु पर छिन्न हो गया था, अब विषय विनिर्मुक्त होकर के मैं आत्म युक्त हो गया, विषय युक्त नहीं, आत्म युक्त हो गया। आत्म युक्त होते ही मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मैं वह चैतन्य सत्ता हूं, जो स्वयंभू है, एकमात्र स्वयंभू चैतन्य सत्ता मैं ही हूं, मेरे इतर कोई न कुछ था न है न होगा। प्रियतम भी मैं ही, प्रियतमा भी मैं ही, सृष्टि का सृष्टि भी मैं ही, सृष्टा भी मैं ही,
विधि का विधाता भी मैं ही, सर्वस्व मैं ही, सर्वत्र मैं ही, ब्रह्म भी मैं ही, ब्रह्मांड भी मैं ही, मेरे इतर कोई हो तो भोग करूं, रमण करूं। मैंने अब जान लिया कि अज्ञान की अवस्था में मैं अपने से बाहर पंचेंद्रियों के पंच विषय स्वरूप स्वप्नवत जगत के पीछे भाग रहा था, रमण कर रहा था। मैं तो अपने मूल स्वरूप में मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं सर्वत्र हूं, सर्वस्व हूं, सर्वदा हूं, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं, मैं ही निरतिशय ब्रह्म हूं। किस विधि से जाना? बाह्य मुखी मन ने मुझे बंधन में डाल दिया था, ज्ञान में डाल दिया था, चिंजड़ ग्रंथि बना दी थी। अब बाह्य विषयों से इसे हटा करके मैंने आत्मचिंतन में, बाह्य विषय चिंतन से हटा करके आत्मचिंतन में लगा दिया, तो तत्काल मुझे वह परमात्म दर्शन हो गया, अपने उस विराट देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न शुद्ध संबित का दर्शन हो गया। और वह मेरा मैं ही तो ब्रह्म है, वह शुद्ध शोधित चैतन्यमय जिसमें विषय नाम की कोई सत्ता नहीं, जो एक अद्वितीय है, जो नित्य निर्विषय है, मेरा शोधितमय जो चैतन्य सत्ता है वो निर्विषय है, विनिर्मुक्त है, निराकार है और एक अद्वितीय शाश्वत सनातन सत्य है। इतना सरल सीधा केवल अपने मन को बाह्य विषयों के चिंतन से हटा करके आत्मचिंतन में लगा दो, आत्मा में विलीन कर दो, आत्मा से आत्मा का मिलन ही, आत्मा का आत्मा में विलय ही, यही तो परम तृप्ति है, परम पूर्णाहुति है, यही परम पुरुषार्थ है, सही सद्यो मुक्ति कहते हैं। वही तो जीव अपने शिवत्व को जान लिया, नर ही नारायण हो गया, वो सदा नारायण ही था, उसमें जन्म मृत्यु थी नहीं, उससे इतर कोई भोग्या थी नहीं, कोई भोग की कोई वस्तु थी ही नहीं, सर्वस्व भोग मेरा, सर्वस्व आनंद मेरा, आनंद भोग प्रेम ऐश्वर्य मेरा स्वभाव है। इसलिए ये जो काल्पनिक और स्वप्न लिए जगत है, ये पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में ये जान लो कि मिथ्या है, इसमें तृप्ति मिलेगी नहीं, इसमें वास्तव में जो जितना भी भोग करोगे उतने और प्यासे भूखे लगोगे, दरिद्र हो जाओगे। इसलिए अंत में अपने मैं को निरुपाधिक निर्विषय करके अपने मैं को आत्मा में विलीन, मैं को मैं में विलीन कर दो। तुम मुक्त थे ही, तुम सदा मुक्त हो और तुम्हें साक्षात परमात्मा दर्शन भी हुआ, भव बंधन भी कट गया, जन्म मृत्यु से मुक्त हुई, तुम सर्वत्र हो गए, सर्वस्व हो गए। पहले नहीं थे क्या? थे, लेकिन अज्ञान हो गया था देश काल वस्तु परिच्छिन्न होने का। अब मैंने जान लिया कि मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं, न मुझे देश सीमित करता है, न काल सीमित करता है, न कोई वस्तु सीमित करती है, मैं निरतिशय वृहत ब्रह्म हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन परमात्मा हूं, मुझसे इतर कोई नहीं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।